गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सब हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 7 के पाठ स्वतंत्रता का मूल्य का आगे का पाठ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में हमने अब तक पढ़ा किस प्रकार विजयनगर साम्राज्य में एक विदेशी नागरिक आता है और राजा कृष्णदेव राय से उसके मंत्रियों तथा राज्य के कुशाली के बारे में प्रशंसा करता है और कहता है कि मैं भी आपके मंत्रियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो इस प्रश्न का उत्तर दे देगा मैं उसे एक हीरो का बहुमूल्य हार दूंगा। उसका प्रश्न होता है सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है आपके राज्य में। तो कुछ मंत्री राजा के मुकुट को, कुछ राजा के महल को, कुछ राजा के शाही खजाने को इसका बहुमूल्य बताते हैं। परंतु जब राजा देखता है कि उनका सबसे बुद्धिमान मंत्री तेनालीराम चुपचाप बैठा हुआ है, तो उनसे पूछते हैं आपको क्या इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। तो तेनालीराम कहते हैं, बड़ी सज्जनता से उत्तर देते हैं कि महाराज, विजयनगर साम्राज्य का जो राज दरबार है, मैं उसमें ऐसे निरर्थक प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि राज दरबार का समय राज्य के लोगों की भलाई के बारे में सोचना, उनके बारे में योजना बनाने के लिए होता है, ऐसे निरर्थक प्रश्नों के जवाब के लिए नहीं। अगर इनको इसका उत्तर चाहिए तो मैं राज दरबार समाप्त होने के बाद दूंगा। अब तेनालीराम उसे अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले उसे एक अतिथि गृह में ठहराते हैं और पहरेदारों से कह देते हैं इसको विदेशी यात्री को बाहर नहीं जाने देने जाना है, इसके मनोरंजन की, खाने पीने की, रहने की सभी व्यवस्था अतिथि गृह में कर दी जाए और अगर जब भी बाहर जाए तो उसे रोक दिया जाए, बाहर नहीं देने जाने दिया जाए। इस प्रकार उसको 15 दिन बीत चुके होते हैं। 15 दिन तक वो उसी कमरे में रहते रहते बड़ा ऊब गया था। एक दिन राजा उधर से गुजरते हैं और यात्री से पूछते हैं। अब राजा क्या पूछते हैं, यात्री उसके प्रश्न का उत्तर क्या देता है, तेनालीराम ने यात्री को उसके प्रश्न का उत्तर दिया या नहीं दिया, यह प्रस्तुत पाठ को पढ़ते हुए आज हम जानेंगे। इसी प्रकार 15 दिन बीत गए। एक दिन राजा घूमते हुए यात्री के कक्ष में पहुंच गया और पूछा, श्रीमान आप कैसे हैं, आपने हमारे राज्य की सुख सुविधाओं का लाभ कैसे उठाया, अर्थात आप इतने दिन रहे तो हमने जो सुख सुविधाएँ आपको दी थी उनको आपने कैसे उपभोग किया, उनका लाभ आपने कैसे उठाया, उनसे यात्री से पूछता है। इतने पर यात्री को बड़ा गुस्सा आता है, वह क्रोधित हो जाता है। क्रोधित क्यों हो गया, क्योंकि उसे सब सुख सुविधा तो दी गई थी परंतु वह सोच रहा था कि उसे इस अतिथि गृह में बंदी बना दिया गया है। इसलिए कहता है, आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, क्या आप मेरी दशा नहीं देख रही हो, क्योंकि अतिथि सोचता है कि राजा ने उसे यहाँ पर कैद किया है। इसी राजा पर गुस्सा करता है और कहता है कि आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, क्या आपको मेरी यह दशा दिखाई नहीं दे रही है, मुझे महल से बाहर भी नहीं जाने दिया जाने जा गया है, मुझे अतिथि गृह में एक बंदी के समान रखा गया है। आप क्या कह रहे हैं श्रीमान, क्या तेनालीराम ने सारी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं की थी, राजा बोले, अर्थात क्यों राजा ने तेनालीराम को अतिथि की जिम्मेदारी दी थी, उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी थी, परंतु जब अतिथि के मुँह से बात सुनते हैं तो वह राजा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है और कहता है, क्या तेनालीराम ने सारी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं की थी, राजा बोले, व्यवस्था तो सारी ठीक ठाक थी परंतु मैं उसका आनंद नहीं ले पाया, क्योंकि यहाँ मैं सुख सुविधाओं से एक मकान में बंदी था, अर्थात उसके पास आज़ादी नहीं थी, उसे लग रहा था मानो सारी सुख सुविधाएं देकर उसे यहाँ बंदी बना दिया गया, इसलिए वह उस चिंता में, बाहर जाने की चिंता में अपनी स्वतंत्रता को लेकर चिंतित था, जिस वजह से वह उन सुख सुविधाओं का आनंद नहीं ले सका। यात्री बोल, राजा ने द्वारपालों से पूछा। अब यात्री की बात को कन्फर्म करने के लिए, सत्यता जांचने के लिए राजा ने द्वारपालों से पूछता है, क्या महाराज हम केवल तेनालीराम जी की आज्ञा का पालन कर रहे था। द्वारपाल भी उस यात्री की बात को सत्य कहते हैं कि हाँ, तेनालीराम ने यह कहा था और हम सब उसकी ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। राजा ने क्रोध में तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम हमारे अतिथि के साथ तुमने ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया, अर्थात हमारे अतिथि के साथ तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया, अतिथि देवोभव है, अर्थात अतिथि तो ईश्वर के समान है, फिर आपने उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा बुरा व्यवहार क्यों किया। तभी तेनालीराम क्या जोड़कर कहते हैं, महाराज मैं तो यात्री के सामने केवल अपनी बात को सिद्ध कर रहा था कि स्वतंत्रता ही सबसे बहुमूल्य वस्तु होती है, इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं
सिद्ध करके दिखाऊं कि विजयनगर की सबसे बहुमूल्य वस्तु स्वतंत्रता है। अर्थात मैं तो सिर्फ ये सिद्ध करना चाह रहा था कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है, सबसे मूल्यवान जो वस्तु है, वो यहाँ के लोगों की स्वतंत्रता है। क्योंकि अगर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तो वह सुख सुविधाओं का आनंद भी नहीं ले सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उस यात्री ने सभी सुख सुविधाएँ होती हुई भी सुख सुविधाओं का आनंद नहीं ले पाया। तो मैंने ये सिद्ध कर दिया, अर्थात मैंने इनको इनका प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि सबसे मूल्यवान वस्तु होती है स्वतंत्रता। आपका पैसा है, सब कुछ है, सुविधाएँ, परंतु अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं तो आप एक दिन ऐसा आता है कि आप उन सुख सुविधाओं से दूर जाना चाहते हैं, आप खुले में घूमना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। तो ये प्रकार तेनाली बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया और इन्हें अतिथि गृह से बाहर न भेजकर हमने इसकी स्वतंत्रता पर बंधन लगा दिया। अर्थात हमने इनको बाहर जाने ही नहीं दिया, इनको सब सुविधाएँ तो हमने यहाँ पर दी परंतु स्वतंत्रता पर बंदिश लगा दी। देखिए स्वतंत्रता के अभाव में ये कैसा व्यवहार कर रहा था। देखिए सब सुख सुविधा इनके पास थी परंतु स्वतंत्रता इनके पास नहीं थी, तो इनका व्यवहार कितना बुरा हो गया है, ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कितना क्रोधित हो रहे हैं। इस पर राजा मुस्कुराए, यात्री बोला, वास्तव में मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अर्थात अब यात्री को समझ में आ जाता है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, इसलिए वह कहता है मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुमने अपनी बात सिद्ध कर दी, पुरस्कार के रूप में तुम्हें ये हीरो का हार देता हूँ। वह यात्री भी उस तेनालीराम से बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि तुमने अपनी बात सिद्ध कर दी, इसलिए अब ये हीरो का हार मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी शर्त जीत लिए और मुझसे ये सिद्ध करके बता दिया कि स्वतंत्रता ही सबसे मूल्यवान वस्तु है। इतना कहकर यात्री ने हीरो का हार तेनालीराम की तरफ बढ़ा दिया। तेनालीराम ने झुककर उपहार को स्वीकार किया और अपने दुर्व्यवहार के लिए, अर्थात उसने जो बुरा व्यवहार यात्री के साथ किया था जाने अनजाने में, उसके लिए यात्री क्षमा मांगता है और यात्री भी उसे मुस्कुराते हुए क्षमा कर देता है। देखो प्यारे बच्चों, इस पाठ से क्या सीख मिली कि व्यक्ति के पास सभी सुख सुविधाएं हों परंतु अगर स्वतंत्रता नहीं है, वह आज़ाद नहीं है, तो वह किसी भी वस्तु का, किसी भी सुख का आनंद नहीं ले सकता। इसी कारण से हमारे पूर्वजों ने भी हमें अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराया और ऐसा देश दिया जहाँ हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इसलिए हमारे जीवन में सबसे बड़ी कोई के धन दौलत वैभव है, एक समय तक वो अच्छी लगती है, परंतु अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं तो हम उन चीज़ों का आनंद नहीं ले सकते। धन्यवाद।